देश के अंदर अगर प्रधानमंत्री जी के प्रति सबसे ज्यादा कुछ इलाका में भरोसा है तो उड़ीसा उसमें एक नंबर है। प्रधानमंत्री जी ने खुद विकास की वायदे किए, गारंटी की वायदे किए, वैसे ही उड़िया अस्मिता के कुछ बुनियादी मुद्दे को लोगों के सामने रखा, खुद रखा। जब मोदी जी की विश्वसनीयता रहती है तब तो लोगों ने भरोसा किया और इसी चुनाव नतीजा उसी दिशा में एक बड़ी प्रमाण है। मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ की चरण पे नतमस्तक होके इस प्रकार की आशीर्वाद को बड़े भावुकता के साथ स्वीकार करता हूँ। ये आस्था, ये विश्वास 4.5 करोड़ उड़िया लोगों की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व पे है, उनकी बातों पे है। उन्होंने खुद सामने से उड़ीसा की जनता को निवेदन किया था, अब एक बार हमें सेवा का अवसर दीजिए, हम उड़ीसा को देश की एक नंबर राज्य करके स्थापित करेंगे। महाप्रभु जगन्नाथ और 4.5 करोड़ उड़िया लोग उस बात को भरोसा किए। आज उड़ीसा की 21 में से लगभग 20 लोकसभा, 19 तो हम जितने की पक्का कर चुके हैं, एक लोकसभा थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। हम इस प्रकार के एक तरफा विजय हम लोकसभा में हमको आशीर्वाद मिल रहा है। ये प्रधानमंत्री जी के प्रति उड़िया लोगों की, मैं जो पहले से भी कई सालों से कहते आया हूँ, देश के अंदर अगर प्रधानमंत्री जी के प्रति सबसे ज्यादा कुछ इलाका में भरोसा है तो उड़ीसा उसमें एक नंबर है। वैसे ही उड़ीसा की विधानसभा में जो रुझान सामने आ रहा है, उड़ीसा में भी सत्ताधारी बीजू जनता दल बेदखल हो रही है, लोग उनको परास्त कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी पे भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को उड़ीसा में भी स्थापित करेंगे, यह हमें पूरा भरोसा है। निश्चित रूप में इसी का तो असर है, प्रधानमंत्री जी ने खुद विकास की वायदे किए, गारंटी की वायदे किए, वैसे ही उड़िया अस्मिता के कुछ बुनियादी मुद्दे को लोगों के सामने रखा, खुद रखा। जब मोदी जी की विश्वसनीयता रहती है तब तो लोगों ने भरोसा किया और इसी चुनाव नतीजा उसी दिशा में एक बड़ी प्रमाण है। मैं बिल्कुल माँ समलेश्वरी के पास विनम्रता के साथ सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। संबलपुर की जनता ने मेरे पे भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को प्रत्याशी बनाया, प्रधानमंत्री जी ने मेरे को अपना प्रतिनिधि माना। मैं उन्हीं की बातों को लेकर जनता के सामने गया था और वहां की जनता ने मेरे को लोकसभा में भारी मतों से आशीर्वाद किया है। मैं कृतज्ञ हूं उस जनता के प्रति और वहां के नागरिकों के प्रति, वहां के वोटर के प्रति, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रति उड़िया लोगों ने ज्यादा आशीर्वाद किए हैं। अगर सर हम उड़ीसा राजनीति को देखें तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 1 सीट, 19 में 8 सीट और 2024 के नतीजे आपके सामने हैं, क्या ये ग्रेजुअल ग्रोथ है? मैं पहले भी कहा हूँ कि हम 2014 में भी 3 नंबर पार्टी रहे, 2019 में हम 2 नंबर पार्टी बने और 2024 में हम 1 नंबर पार्टी बने। ये हमारी एक क्रमवर्धिष्णु वृद्धि हुई है, एक लोगों की धीरे धीरे भरोसा हमारे ऊपर आई है, हमारे नेतृत्व की स्वीकृति हुई है, हम लोगों की सेवा लोगों की मन में उतरी है, प्रधानमंत्री जी की गारंटी उसके ऊपर रहा है, इसलिए तो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है। और इसमें से भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक प्रदेश की जनता की सेवा करने का निश्चित रूप में दायित्व लेगी। अगर हम वर्तमान बीजेडी की बात करें सर, तो वो लगातार कहा करते थे कि जो भी यूनियन मिनिस्टर्स आते हैं, जो भी मुख्यमंत्री आते हैं, वो एक पर्यटक के तौर पे है, उनका चुनाव पे कोई असर नहीं होगा, नतीजे कुछ अलग है। मैं आज के दिन में कोई कटु वक्तव्य देना उचित नहीं मानता हूँ, आज संभ्रमता की दिन है, नम्रता की दिन है, जनता ने उसकी उत्तर दिया है। सर अगर हम ओडिशा की बात करें, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है, तो ओडिशा को आने वाले दिनों में आप कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी ने खुद वायदा किया है उड़ीसा पूर्वोदय की प्रयोगशाला होगा, विकसित भारत का एक अग्रणी केंद्र होगा, यहाँ की लोगों की आकांक्षा और अपेक्षा को पूरा करने का भरपूर कोशिश किया जाएगा।